हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए, तो आज और अभी से ही जुड़ जाइए जीएस टैंक चैनल से अपने कॉन्फिडेंस एज वेल एज अपने कॉन्सेप्ट दोनों को बूस्टअप करने के लिए। तो यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेटाबेस कॉन्सेप्ट का एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था डेटाबेस से रिलेटेड। तो यदि आपने दोनों वीडियोस यानी कि कॉन्सेप्ट साथ ही साथ और एमसीक्यू दोनों सेशन अगर आपने मिस कर गए हैं, तो आप जाकर दोनों देख सकते हैं। दोनों वीडियोस को सेपरेट प्लेलिस्ट दोनों का क्रिएट किया हुआ है, थ्योरी के लिए थ्योरी वाला प्लेलिस्ट और एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी क्लास की, यानी कि आज हमारा होने वाला है नया चैप्टर जो कि है एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को लेकर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और पूरे सेशन को लास्ट तक देखने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट जो कि है एसक्यूएल। और ये स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि ये काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये थोड़ा वास्ट चैप्टर है और इसको हम दो पार्ट में फॉलो करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू में। क्यों? क्योंकि अगर एक वीडियो इस पे हम बनाएं तो ये 2 घंटा से ऊपर का चला जाएगा, तो फिर देखने में भी आपको थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील होगा, क्योंकि 2 घंटा की वीडियो देखना अपने आप में एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए इसके 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सब कुछ ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इन दिस चैप्टर, जो कि हमेशा की तरह हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, फिर एसक्यूएल के बारे में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फिर डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स इन माई एसक्यूएल, फिर एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन, एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन, एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी, डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, फंक्शंस इन एसक्यूएल, ग्रुप बाई क्लॉज इन एसक्यूएल, ऑपरेशन ऑन रिलेशन यूजिंग 2 रिलेशंस इन अ क्वेरी। तो इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। क्लियर है बात? तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में यानी कि जो प्रीवियस चैप्टर हमारा था उसमें हमने पढ़ा था डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस कॉन्सेप्ट और डीबीएमएस के बारे में। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो आरडीबीएमएस है यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था, उसके पर्पस के बारे में पढ़ा था। और बहुत सारे आरडीबीएमएस हैं, जैसे कौन कौन से हैं, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जो एसक्यूएल सर्वर है सो है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि डेटाबेस है, PostgreSQL है, Oracle है। तो ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कि हमें अलाउ करते हैं क्रिएट करने के लिए डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ रिलेशंस। और ये सब जो RDBMS हैं वो हमें और क्या अलाउ करते हैं, तो अलाउ अस टू स्टोर रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा ऑन दैट डेटाबेस थ्रू क्वेरीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट पॉपुलेट एंड क्वेरी डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉपिक है हमारा मेन एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए, जो डीबीएमएस है उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, जो करता क्या है कि दैट कैन बी यूज टू एक्सेस मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जिसका यूज हम एक्सेस और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। और क्या है, तो एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ETC। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा एसक्यूएल है ये काफी पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है और इसका यूज कौन कौन करता है, इसका यूज जो है वो किया जाता है बहुत सारे जो प्रमुख RDBMS है उनके द्वारा, जैसे कि MySQL हो गया, Oracle हो गया, SQL सर्वर हो गया, इन सबों के द्वारा। ठीक है, SQL जो होता है, SQL आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप किसी भी तरह से लिख दें,
कैपिटल स्मॉल, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था कि पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, उससे फर्क पड़ता है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से, लेकिन एसक्यूएल में फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से। और है कि वी कैन क्रिएट एंड इंटरैक्ट विथ डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल इजिली, और हम लोग क्रिएट और इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस के साथ काफी आसानी तरीके से यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। और क्या है, तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एसक्यूएल इज दैट वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एसक्यूएल यूज करने का, कि हमको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि डेटा को कैसे पाना है फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कैसे रिट्रीव करना है, कैसे गेट करना है डेटा को डेटाबेस से, ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। रेदर वी सिंपली स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी रिट्रीव, हमें सिंपली क्या करना है कि स्पेसिफाई करना है क्या रिट्रीव करना है, एंड एसक्यूएल डज द रेस्ट, और बाकी काम एसक्यूएल अपने आप कर देता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्वेरी लैंग्वेज है ये, तो एसक्यूएल कैन डू मच मोर बिसाइड क्वेरिंग, क्वेरिंग के अलावा भी बहुत कुछ ये कर सकता है, कौन, एसक्यूएल। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल यूज द स्टूडेंट अटेंडेंस डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, हमने पिछले चैप्टर में स्टूडेंट अटेंडेंस से लेकर काफी डिस्कशन किया था, जो डेटाबेस हमारा था उसमें कुछ कुछ चेंजेस वगैरह सब देखा था, एंड क्रिएट अ डेटाबेस, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वी विल लर्न हाउ टू पॉपुलेट डेटाबेस विथ डेटा, हम लोग ये भी सीखेंगे डेटा के थ्रू डेटाबेस को पॉपुलेट कैसे किया जाता है, मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, रिट्रीव कैसे किया जाता है फ्रॉम अ डेटाबेस थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इंस्टॉलिंग के बारे में दिया हुआ था, ये सब तो हम एग्जाम में पूछेगा नहीं कि इंस्टॉलिंग कैसे करना है, तो हर टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे, जो जो मेन पॉइंट है, जो भी बुलेट पॉइंट है, वो सब कवर करते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग एसक्यूएल, देखिए एसक्यूएल को यूज करते समय कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे, और वो पॉइंट क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है कि एसक्यूएल जो होता है वो क्या होता है, केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि केस सेंसिटिव वो नहीं होता है, जैसे कि द कॉलम नेम्स सैलरी एंड सैलरी आर सेम फॉर एसक्यूएल, यानी कि बोले ना कि कैपिटल और स्मॉल से इसको फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सबको सेम ट्रीट करेगा, ठीक है। ऑलवेज एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट विथ सेमी कॉलन, आपको हमेशा एसक्यूएल स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से खत्म करना है, ठीक है। तीसरा, टू एंटर मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट वी डू नॉट राइट, जो हमें डबल कोट यूज करते थे वो नहीं करना है आफ्टर फर्स्ट लाइन, ठीक है। वी प्रेस द इंटर की टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन, हमें सिंपली क्या करना है कि इंटर प्रेस कर देना है नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, जंप करने के लिए। द प्रॉम्प्ट माई एसक्यूएल देन चेंजेस टू दिस एरो इंडिकेटिंग दैट स्टेटमेंट इज कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन, और इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो अगला लाइन में कंटिन्यू होने जा रहा है। एंड आफ्टर द लास्ट लाइन पुट डॉट है एफ एंड प्रेस इंटर, यानी कि सिंपली फुल स्टॉप जो हमें देख रहे हैं उसको यूज करना है, और फिर क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात, तो अब बात करेंगे हम लोग डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स इन माई एसक्यूएल, ठीक है। तो देखिए, डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर रिलेशन, जो डेटाबेस है वो एक या एक से ज्यादा रिलेशन होता है उसमें, और हर एक रिलेशन जिसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट, जिसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और इच एट्रीब्यूट हैज अ डेटा टाइप, और हर एक एट्रीब्यूट के पास क्या होता है, डेटा टाइप होता है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर इच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, हम लोग हर एक एट्रीब्यूट के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट को स्पेसिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं डेटाबेस ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में। तो क्या है कि डेटा टाइप indicates the type of data value that an attribute can have. देखिए data type क्या करता है कि indicate करता है कि किस type का data value attribute के पास है, ठीक है, simple is that. जैसे example के तौर पे देखिए, arithmetic operation can be performed on numeric data. जो आपका arithmetic operation है वो numeric data पे perform होगा, character data पे होगा नहीं arithmetic operation. Commonly used data type in MySQL are numeric type. क्या क्या है, न्यूमेरिक टाइप है, डेट टाइम टाइप है, और स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है एसक्यूएल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब, जिसमें पहला क्या है, कैर, यानी कि जो कैरेक्टर आप पढ़ते हैं ना वही है ये,
इसमें क्या है कि स्पेसिफाइज कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ लेंथ n, वेयर n कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। यानी सिंपली हम बोले तो जो कैर है वो 0 to 255 तक एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपली हम बोले तो 0 से 255 तक एक्सेप्ट कर सकता है आसान भाषा में। और कैर क्या है, इज ऑफ फिक्स लेंथ, यानी कि वो फिक्स लेंथ का होता है जो कैर है। इसका मतलब क्या है कि डिक्लेयरिंग कैर 10, अगर मान लीजिए कि आपने कैर 10 लिखा तो इसका क्या मतलब है, इम्प्लाइज टू रिजर्व स्पेस फॉर 10 कैरेक्टर। इससे क्या हो जाएगा कि 10 कैरेक्टर का जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगा। इफ डेटा डज नॉट हैव 10 कैरेक्टर, मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा डेटा इंटर किया कि जिसमें 10 कैरेक्टर नहीं है, आपने कैर 10 कर दिया है डिक्लेयर, लेकिन कुछ ऐसा डेटा आपने इंटर किया जिसमें 10 कैरेक्टर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपने सीटी लिखा, CITY, इसमें कितना है, 4 कैरेक्टर है, तो इसमें MySQL क्या करेगा कि इट फिल्स द रिमेनिंग 6 कैरेक्टर विद स्पेस पैडेड ऑन द राइट, यानी कि CITY तो लिख देगा, उसके बाद 6 जो कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 ये ब्लैंक छोड़ देगा, यानी कि 10 कैरेक्टर जो है सो रिजर्व हो जाता है इस केस में, कैर के केस में। क्लियर है बात। दूसरा है आपका वेयर कैर, ये क्या करेगा, तो स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप्स डेटा ऑफ लेंथ वेयर इन कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 65535। ये कहां तक एक्सेप्ट करेगा, 0 से लेके 65535 तक ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट अनलाइक कैर, वेयर कैर इन इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, ये क्या है, वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है। दैट इज वेरकर 30 means maximum of 30 character can be stored। maximum कितना character store हो सकता है, 30, अगर आपने वेरकर 30 declare किया है तो। but the actual allocated bytes will depend on the length of entered string। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना कि जो भी enter किया गया है, ठीक है, इसमें जो भी entry किया गया है तो उस case में क्या हो जाएगा कि इस dependent कहाँ होगा, जैसे देखिए यहाँ पे बट द एक्चुअल एलोकेटेड बाइट, जो एक्चुअली एलोकेटेड बाइट है वो डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ ऑफ इंटर्ड स्ट्रिंग पे। जैसे जैसे सीटी है यहाँ पे, सीटी एन वेयर कैर 30 विल ऑक्यूपाई स्पेस नीडेड टू स्कोर 4 कैरेक्टर्स ओनली, इसमें स्पेस छोड़ रहा था, इसमें स्पेस नहीं छोड़ेगा, 4 लगकर शांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए तीसरा क्या है, इंट, जो इसको इंटीजर बोलते हैं, तो इंट क्या स्पेसिफाई करता है, एन इंटीजर वैल्यू, Each int value occupies 4 byte of storage, ठीक है? The range of unassigned values allow in 4 byte integer data type are 0 to 42949496725। ये एक साथ है, यानी कि बोले तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब, ठीक है, इतना तक ये चला जाएगा। और फॉर लार्जर वैल्यू देन दैट we have to use big int which occupies 8 bytes। देखिए जो simple int है वो कितना occupy करेगा, 4 byte, और जो big int है वो 8 byte occupy करेगा। ठीक है, next अगला है आपका float। float क्या करता है, simply decimal point hold करता है। ठीक है, each float value occupies कितना, 4 byte of storage। पांचवा क्या है आपका date। date क्या करेगा, is used for date in इस format में, इसमें क्या है, 4 लेटर से y के लिए, 2 लेटर से मंथ के लिए और 2 लेटर से डेट के लिए। ठीक है, वही बात यहीं पे कही गई है। और सपोर्टेड रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सपोर्टेड रेंज है इसका, यानी कि 1000 से लेके 31129999 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स की, इसके बाद किसकी बात करेंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स की। तो कॉन्स्ट्रेंट बेसिकली होता क्या है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं आर सर्टेन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के टाइप होते हैं ऑन द डेटा वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, जो एट्रीब्यूट के पास हो सकते हैं। एक नीचे टेबल है, लिस्ट सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्स्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल, कुछ एसक्यूएल के कॉन्स्ट्रेंट है उनकी लिस्टिंग नीचे दी गई है। देखिए, दे आर यूज टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दे आर यूज टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटा, यानी कि इसको यूज क्यों किया जाता है, डेटा को करेक्टनेस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि डेटा सही रहे इसके लिए इसको यूज किया जाता है सिंपली। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन कॉन्स्ट्रेंट फॉर इच एट्रीब्यूट, और हर एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 9.2 टेबल क्या कह रहा है, सबसे पहला क्या है आपका नॉट नल, इसका मतलब क्या है,
इंश्योर दैट कॉलम कांट हैव नल वैल्यूज वेयर नल मीनिंग मिसिंग अननोन नॉट एप्लीकेबल, यानी सिंपली नल मतलब क्या समझिए आप, नथिंग, कुछ नहीं, नल मतलब नथिंग, यानी कि सिंपली नॉट नल का यूज किया जाता है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि वहां पे वैल्यू कुछ है, यानी कि पूरा पूरी एम्प्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे है। दूसरा क्या है, यूनिक, यूनिक क्या करता है तो इंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन कॉलम आर डिस्टिंक्ट, जो कि यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यूनिक मतलब अनोखा, बात एक ही है, डिस्टिंक्ट या यूनिक बात एक ही है। तो सिंपली क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हर एक वैल्यू कॉलम में क्या है, अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है। तीसरा क्या है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द कॉलम, डिफॉल्ट वैल्यू किसके लिए स्पेसिफाई होता है, कॉलम के लिए। इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइड, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोई एक वैल्यू ले लेता है। अगला क्या है, प्राइमरी की, प्राइमरी की और फॉरेन की तो आपने पढ़ा ही है पिछला चैप्टर में, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। प्राइमरी की क्या है, कॉलम है व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, कॉलम क्या करता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो या रिकॉर्ड टेबल में, ठीक है। फॉरेन की क्या करेगा कि ये भी कॉलम है जो कि रेफर करता है किसको, टू द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के वैल्यू को रेफर करता है डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कॉन्स्टेंट्स की। इसके बाद हम बात करेंगे एसक्यूएल फॉर डेटा डिफिनीशन, इसकी बात करेंगे एसक्यूएल फॉर डेटा डिफिनीशन। तो देखिए जो एसक्यूएल है अलाउज अस टू राइट स्टेटमेंट्स फॉर डिफाइनिंग मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग रिलेशन स्कीमास। देखिए एसक्यूएल क्या करता है कि हमें अलाउ करता है स्टेटमेंट लिखने के लिए, फॉर राइट स्टेटमेंट फॉर डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए, कौन, रिलेशन स्कीमास। और दीज आर पार्ट ऑफ किसका, डीडीएल, ये पार्ट किसका है, डीडीएल यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का ये पार्ट है, ठीक है। अब देखिए द क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस, जो क्रिएट स्टेटमेंट इसका यूज किया था डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उसका टेबल्स का रिलेशन, ठीक है। बिफोर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले वी शुड बी क्लियर अबाउट द नंबर ऑफ टेबल्स, हमें नंबर ऑफ टेबल्स के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। द डेटाबेस विल हैव, जो डेटाबेस में होगा सो, और क्या, द कॉलम इन ईच टेबल, वो भी आपको सियोरिटी होना चाहिए कि कितना कॉलम्स होने वाले हैं, अलोंग विद द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, साथ ही साथ डेटा टाइप के बारे में भी हर एक कॉलम का, और साथ ही साथ कॉन्स्टेंट्स का भी अगर जरूरत है तो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, इसके बारे में, क्रिएट डेटाबेस के बारे में। सबसे पहला क्या है, क्रिएट डेटाबेस, ये क्या करता है, टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए वी यूज क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट एज शोन, जो क्रिएट डेटाबेस का यूज करते हैं, और इसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम और फिर कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो क्रिएट डेटा, टू क्रिएट डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस वी विल टाइप द फॉलोइंग कमांड एट माई एसक्यूएल, आइए इसको देखते हैं इसमें क्या कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो माई एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस, और इसके इस पे करने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। DBMS can manage multiple database, data, DBMS क्या करता है कि multiple database को manage करता है on one computer, ठीक है। To know the names of existing database, जो existing database का नाम जानने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, we use statement so database, हम लोग so database का use करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये सब important हो जाता है, ठीक है। इसका use करते हैं हम लोग so database का। From the listed databases, listed database से क्या करते हैं, we can select the database to be used, हम लोग ये select करते हैं कि कौन सा database को use करना है। Once the database is selected, एक बार जब database select हो जाता है, we can proceed with creating tables or querying data, एक बार select हो जाने के बाद हम लोग proceed कर सकते हैं with creating tables या फिर querying data, ठीक है। अब देखिए, in order to use student attendance database the following SQL statement is required, क्या क्या है, तो MySQL ये तो है, use student attendance, इससे क्या हो जाएगा, database changed। अब देखिए initially क्या है कि created database तो empty होगा, तो it can be checked by using the so table statement that list name of all tables within the database, क्या use करना पड़ेगा हमें, so table का use करना पड़ेगा। तो जैसे ही so table करेंगे हमें बता देगा कि क्या ये empty set है, clear है बात यहां तक, समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपली क्या किया हम लोग, सो डेटाबेस का यूज करके हमें पता चल गया है, यहाँ पे सो टेबल कर दिए तो क्या बता दिया कि सेट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब है आपका क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल की बात हो रही है। तो आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस वी नीड टू डिफाइन रिलेशन इन दिस डेटाबेस। देखिए जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है कौन सा, स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को डिफाइन करना है रिलेशन, ठीक है, इसमें डेटाबेस में, एंड स्पेसिफाई एट्रीब्यूट फॉर इच रिलेशन, और हर एक रिलेशन के लिए आपको एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना है, साथ ही साथ क्या डेटा टाइप भी और कॉन्स्टेंट्स भी फॉर इच एट्रीब्यूट। और ये होता कैसे है, तो दिस इज डन यूजिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। और क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्या क्या है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, और सिर्फ सबको डिफाइन करना पड़ेगा आपको एट्रीब्यूट नेम क्या है, डेटा टाइप क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, ये सब करना पड़ेगा 1-2 से लेकर कहां तक, एन तक जितने भी हैं उस हिसाब से, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएट टेबल। देखिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में दिए हुए हैं क्रिएट टेबल के लेकर, तो आइए उस पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल डिफाइंस द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नंबर ऑफ कॉलम होता है टेबल में वो क्या डिफाइन करता है, डिग्री ऑफ उस रिलेशन का, दैट रिलेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाइज, एट्रीब्यूट नेम क्या करता है, स्पेसिफाई करता है किसको, द नेम ऑफ कॉलम इन द टेबल, उस टेबल में कॉलम का जो नाम है उसको क्या करता है, वो बताता है, स्पेसिफाई करता है। तीसरा, डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है टाइप्स ऑफ डेटा को, दैट एन एट्रीब्यूट कैन होल्ड, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अगला पॉइंट है कॉन्स्टेंट के बारे में कि कॉन्स्टेंट इंडिकेट्स द रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्टेंट क्या इंडिकेट करता है, जो इम्पोज किया हुआ रेस्ट्रिक्शन है उसको, ऑन द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हर एक एट्रीब्यूट टेक्स नल वैल्यू, हर एक एट्रीब्यूट क्या करता है, नल वैल्यू को लेता है, एक्सेप्ट फॉर प्राइमरी, यानी प्राइमरी की को छोड़कर हर एक जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए एज्यूमिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू बी 100 एंड वैल्यूज ऑफ रोल नंबर इन अ सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 100, वी नो दैट 3 digits आर सफिशियंट टू स्टोर वैल्यू इन एट्रीब्यूट रोल नंबर। देखिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट है क्लास में वो कितना है, 100 है, और वैल्यू क्या हो जाएगा रोल नंबर का, 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे हम क्या समझें कि जो 3 digits है वो सफिशियंट है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, किसके लिए, एट्रीब्यूट रोल नंबर के लिए, यहां तक क्लियर है बात। अब देखिए हेंस डेटा टाइप इंट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस एट्रीब्यूट, तो इसके लिए क्या है कि हम इंट का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, इसके लिए इंट का यूज हम कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्टूडेंट नेम, एस नेम कैन डिफर, ऑब्वियस ये बात है कि वो डिफर करेगा, ठीक है। एज्यूमिंग मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ नेम एज 20, और मैक्सिमम कैरेक्टर के नेम क्या ले लिए हम लोग, 20 ले लिए, वी यूज वेरकैट 20 का यूज करेंगे इसके लिए फॉर द एस नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम कॉलम के लिए, ठीक है। डेटा टाइप फॉर एट्रीब्यूट एस डेट ऑफ बर्थ इज डेट, वहां पे डेट का यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है। एंड सपोजिंग द स्कूल यूजेस गार्जियंस 12-digit आधार कार्ड है GUID, जो गार्जियन आईडी है उसके लिए क्या यूज करेगा, CAR 12। अब CAR 12 यूज करेगा, इसका क्या मतलब है कि ये तो 12 आपका फिक्स है, इसका क्या मतलब है कि 12 आपका फिक्स है, इसमें कुछ हेर बदल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड कितना डिजिट का होता है, 12 digit का होता है, तो ये तो पक्का है कि कितना हो जाएगा, ये 12 ही रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 क्या होता है, अगर यहाँ पे 12 दे दिए तो 12 कैरेक्टर्स रिजर्व हो गया, ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए पहला क्या है आपका, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स फॉर एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन स्टूडेंट। अब देखिए एट्रीब्यूट नेम में क्या क्या हो गया, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GUID, उसके क्या क्या है, तो न्यूमेरिक डेटा कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 digits, क्योंकि 100 की बात हो रही थी, जो वेरकर यूज हो रहा है कितना हो गया, 20 का यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, डेटा वैल्यू है जो डेट का यूज कर रहे हैं डेटा टाइप में, और क्या है, तो न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ 12 digit CAR 12, क्योंकि 12 कैरेक्टर रिजर्व की बात हो रही है। तो ये सब हो गया, डेटा टाइप इंट हो गया, वायर कैर हो गया, डेट हो गया और कैर हो गया। कॉन्स्टेंट्स में क्या है, तो ये आपका प्राइमरी की हो गया, ये तो नल नहीं हो सकता है, नॉट नल, और ये भी नल नहीं हो सकता, और ये हो गया फॉरन की, क्यों, ये फॉरन की क्यों है, क्योंकि ये डेटा लिंक हो जाएगा किससे, जैसे देखिए यहाँ पे GUID है और यहाँ भी GUID, ये से लिंक हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। देखिए इसको भी आगे समझते हैं, देखिए
एट्रीब्यूट नेम क्या है, GUID, GNAME, GPhone, GAddress और क्या क्या है यहाँ पे। तो GUID में अपने आधार कार्ड का यूज कर रहा था, मैं 12 दे दिए, ठीक है। GNAME में वैरकर 20 का यूज कर रहा है, कितना बड़ा नाम रहेगा, 20 कैरेक्टर में तो हो ही जाएगा। अब फोन नंबर है तो उसके लिए क्या अटेन करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है, 10 कैरेक्टर रिजर्व हो जाएगा कैर को लेकर, ठीक है। और क्या है वेरिएबल लेंथ ऑफ ये एड्रेस के बारे में, तो 30 के लिए इसके लिए, क्योंकि 30 काफी हो जाएगा 30 कैरेक्टर एड्रेस के लिए, ठीक है। अब ये प्राइमरी की बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा, फिर क्या रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता है कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ये नल हो नहीं सकता है क्योंकि नाम तो देना पक्का है गार्जियन का, तो यहाँ पर नल हम रख नहीं सकते हैं, नल यूनिक, ये देखिए यहाँ पे नल कर देंगे और यूनिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो यूनिक ही होगा ना, मोबाइल नंबर तो किसी का सेम नहीं हो सकता है, इसलिए क्या कर देंगे यूनिक कर देंगे। और नल इसलिए कर सकते हैं क्यों, क्योंकि गार्जियन पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है कि नहीं अपना फोन नंबर, अगर नहीं देना चाहेगा तो नल कर देंगे और देना चाहेगा तो यूनिक हो जाएगा, फिर नॉट नल यानी कि एड्रेस देना है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपका अटेंडेंस का भी है कि अटेंडेंस डेट रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस। अब देखिए डेट वैल्यू तो उसमें डेट में लिखेंगे, ये एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगा, और यानी कि कॉन्स्टेंट में प्राइमरी की यूज होगा, और रोल नंबर में क्या है न्यूमेरिक वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट, रोल नंबर मैक्सिमम 3 डिजिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 100 तक जा रहा है, हमने पढ़ा है ऊपर में, इसमें इंट ले लिया। अब देखिए यहाँ भी प्राइमरी की है और यहाँ भी प्राइमरी की है, तो क्या है ये कंपोजिट की बात हो रही है ना, कंपोजिट प्राइमरी की, हमने क्या पढ़ा था कि दो प्राइमरी की अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट की का काम करेगा, ठीक है। और एक फॉरेन की रोल नंबर यहाँ पे। अटेंडेंस स्टेटस में पी प्रेजेंट के लिए और ए एब्सेंट के लिए कैरेक्टर 1 देंगे, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की हमें जरूरत है, ये नल नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वंस डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिफाई, एक बार अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया तो लेट अस क्रिएट टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स। तो अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे बिना कॉन्स्टेंट को स्पेसिफाई किए, और साथ ही साथ क्या द एट्रीब्यूट नेम फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, MySQL हो गया, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर इंट में आएगा, जो स्टूडेंट नेम है वर्गा 20 है, 20 काफी है, इतना बड़ा नाम तो 20 लेटर तो बहुत हो जाता है। फिर हो जाएगा एस डेट ऑफ बर्थ, जिसमें क्या डेट डेटा टाइप में हो जाएगा। फिर GUID कैरेक्टर 12, क्यों, क्योंकि हम लोग आधार कार्ड का यूज किए हैं, आधार कार्ड में 12 डिजिट तो फिक्स है, तो कैरेक्टर से ये हो जाएगा। फिर प्राइमरी की में क्या है रोल नंबर है, देखिए इसमें अगर हम चाहें ना तो प्राइमरी की को यहाँ भी लाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उससे क्या है कि और ये थोड़ा इसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा सकता है पढ़ने वरने में, लेकिन इसको यहाँ भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि एरो जो है ये वाला इज एन इंटरेक्टिव कंटिन्यूएशन प्रॉम्प्ट, कंटिन्यू हो रहा होते जा रहा है। इफ वी इंटर अनफिनिश्ड स्टेटमेंट द एसक्यूएल सेल विल वेट फॉर अस टू इंटर द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और यदि हम लोग अनफिनिश्ड स्टेटमेंट में इंटर करते हैं, ठीक है, तो SQL क्या करेगा, विल वेट, वेट करेगा अस टू इंटर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर बात है, यहां तक समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्राइब टेबल की, क्या है डिस्क्राइब टेबल। अब देखिए सिंपली क्या है कि वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग डिस्क्राइब स्टेटमेंट। हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं किसको, स्ट्रक्चर ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, जो ऑलरेडी क्रिएट किया गया है टेबल उसको स्ट्रक्चर को व्यू कर सकते हैं, और किसके हेल्प से, डिस्क्राइब स्टेटमेंट के हेल्प से या फिर DESC स्टेटमेंट के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब टेबल नेम MySQL डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया डिस्क्राइब, इसके बारे में शो कर दिया आपको, ठीक है। क्या करेगा सिंपली सो व्यू करेगा किसका, स्ट्रक्चर को, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। वी कैन यूज सो टेबल स्टेटमेंट टू सी द टेबल इन द स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, हम लोग किसका यूज करेंगे, सो टेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे देखने के लिए किसको, टू सी द टेबल इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। सो फार वी हैव ओनली द स्टूडेंट टेबल, अभी स्टूडेंट टेबल है क्या, MySQL सो टेबल, यहाँ पे टेबल आपको सो कर दिया गया है, क्या टेबल इन स्टूडेंट अटेंडेंस स्टूडेंट, सिंपली क्या है टेबल आपको सो कर दिया गया है, ठीक है, using so table। ये सब जो है ना छोटा छोटा keywords वगैरह ये सब आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा statement किसके लिए use किया जा रहा है, ये exam में पूछा जा सकता है, ये important हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार आपको हम बता देते हैं, घेर भर के बता देते हैं। अब है क्या alter table,
अल्टर मतलब क्या है, कुछ अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि टेबल को क्रिएट करने के बाद वी मे रियलाइज दैट वी नीड टू ऐड या रिमूव एट्रीब्यूट और टू मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और टू ऐड कॉन्स्टेंट इन द एट्रीब्यूट। ऐसा हो सकता है कि टेबल क्रिएट करने के बाद हम भूल गए कि यार एज डालना भूल गए, और कुछ कुछ चीजें भूल गए कि यार इसका मेल है फीमेल है, ये सब भी हमें इंटर करना है, तो कुछ उसमें ऐड रिमूव करना है या फिर कुछ भी उसमें मॉडिफाई करना हो सकता है, वो चाहे एग्जिस्टिंग आपका एट्रीब्यूट हो तो या फिर कॉन्स्टेंट हो तो। ऐसा तो पॉसिबल है कि आदमी भूल जाएगा कि हाँ डेटाबेस जो क्रिएट किए हुए हैं उसमें और कुछ कुछ चीजें को ऐड करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन। सबसे पहले बात करेंगे क्या कि ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन, प्राइमरी की ऐड करना है किसको, रिलेशन में। तो अब देखिए यह काफी सिंपल है, आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लेटेस्ट इंटर, हाँ, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट एड्स प्राइमरी की टू द गार्जियन रिलेशन। जो गार्जियन रिलेशन है उसमें क्या ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करना है। तो हमें सिंटेक्स क्या इसमें डालना पड़ेगा, सिंपली एल्डर टेबल गार्जियन एड प्राइमरी की, जो जी यू आई डी है सो डालना है, ठीक है, सिंपल यही डालना है आपको। अब होगा क्या कि नाउ लेट अस ऐड प्राइमरी की टू द अटेंडेंस रिलेशन। अब क्या करना है, अटेंडेंस रिलेशन में डालना है, यहाँ पे तो गार्जियन में हो गया, अब किसमें डालना है, अटेंडेंस रिलेशन में डालना है। तो द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन इज अ कंपोजिट की मेड अप ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, अटेंडेंस डेट और रोल नंबर। इसमें क्या क्या है, अटेंडेंस डेट और रोल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट की हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टर टेबल अटेंडेंस ऐड प्राइमरी की और अटेंडेंस डेट और रोल नंबर, जैसे ही करेंगे आपका काम इससे हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सब याद रखना है कि कौन सा किसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं तो ये सब देखेंगे कि हाँ प्राइमरी की में अल्टर टेबल हो गया, ऐड प्राइमरी की हो गया, तो ये सबको आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राइमरी के बाद क्या देखेंगे, ऐड फॉरेन की के बारे में, क्या है, ऐड फॉरेन की टू अ रिलेशन। वंस प्राइमरी कीज आर एडेड, एक बार प्राइमरी की ऐड हो जाता है तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड फॉरेन की। अब क्या है, हम लोग ऐड करेंगे रिलेशन में फॉरेन की ऐड करेंगे। Following points needed to be observed while adding foreign key to a relation. कुछ points हमें ध्यान में रखने होंगे जब हम लोग foreign key add कर रहे हैं relation में उस समय। तो क्या क्या है, पहला point कि the referenced relation must be already created. जो आपका referenced relation वो पहले से create होने चाहिए, पहले से ही। और जो referenced attributes है वो क्या होने चाहिए, must be part of the primary key. वो primary key के part होने ही चाहिए, कौन, referenced attribute of referenced relation, ठीक है। तीसरा है कि डेटा टाइप एंड साइज, डेटा टाइप एंड साइज ऑफ रेफरेंस्ड एंड रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम। यानी कि डेटा टाइप और साइज ऑफ जो रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट हो, क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, तो इसका सिंटेक्स है आपका अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड फॉरेन की, एट्रीब्यूट नेम जो डाल देंगे एड फॉरेन की में, और फिर रेफरेंसेस में क्या डालेंगे, रेफरेंस्ड टेबल में सो डाल देंगे एट्रीब्यूट नेम के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ देखिए एल्टर टेबल स्टूडेंट, एड फॉरेन की में क्या डाल दिया, जी यू आई डी रेफरेंसेस, और गार्जियन में गार्जियन आई डी, बात तो एक ही है, जी यू आई डी हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो गार्जियन आई डी है वो उसमें एड हो जाए, जो कि हम लोग क्या माने थे, आधार कार्ड को माने थे 12 डिजिट वाला, याद आ गया। अगला है आपका एड कॉन्स्टेंट्स यूनिक टू अ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, आपको यूनिक डालना है। जैसे इन अ गार्जियन टेबल द एट्रीब्यूट जी फोन एज अ कॉन्स्टेंट्स यूनिक विच मीन नो टू वैल्यू इन दैट कॉलम शुड बी सेम। ऑब्वियस सी बात है कि आप फोन नंबर को इंटर करने की बात कर रहे हैं तो फोन नंबर क्या होगा, यूनिक ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि दो गार्जियन का फोन नंबर मैच कर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है कि नहीं। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है आपका, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एड यूनिक और फिर एट्रीब्यूट नेम, वो क्या आ जाएगा इससे, तो अल्टर टेबल गार्जियन एड यूनिक और यूनिक में क्या डालना है हम लोग को, गार्जियन का फोन नंबर, दैट्स ऑल, ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ऐड एन एट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें एक एट्रीब्यूट को ऐड करने की बात हो रही है, उसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, तो सिंटेक्स हो जाएगा अल्टर टेबल, टेबल नेम और फिर ऐड एट्रीब्यूट और नेम डेटा टाइप। इससे क्या हो जाएगा, नीचे आइए, जैसे कहा गया कि सपोज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हैज टू डिसाइडेड टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू सम नीडी स्टूडेंट फॉर व्हिच इनकम ऑफ गार्जियन मस्ट बी नोन। अब किसी को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो उसके लिए तो गार्जियन का इनकम जानना जरूरी होता है कि नहीं।
बट द स्कूल हैज नॉट मेंशनड द इनकम एट्रीब्यूट विद द टेबल गार्जियन सो फार। लेकिन एक टेबल गार्जियन में क्या है कि इनकम जो है सो मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द डेटा बेस डिजाइनर नाउ नीड्स टू एड अ न्यू एट्रीब्यूट इनकम ऑफ डेटा टाइप इंट इन द टेबल गार्जियन, और उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, एक इनकम का अलग से कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा, और डेटा टाइप क्या यूज करना है, इंट यूज करेंगे, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, माई एसक्यूएल अल्टर टेबल गार्जियन एड इनकम इंट, और ये करने से क्या हो जाएगा कि उसमें एड हो जाएगा जो इनकम वाला कॉलम है सो, ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट, अगर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं डेटा टाइप में, उसके बारे में है। उसके लिए सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप, ठीक है। सपोज वी नीड टू चेंज द साइज ऑफ एट्रीब्यूट जी एड्रेस फ्रॉम वर्गर 30 टू वर्गर 40। जैसे मान लीजिए कि पहले आपने 30 कैरेक्टर का कर दिया था पहले से इंटर कि हाँ एड्रेस जो होगा वो 30 कैरेक्टर्स के होगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कोई नया स्टूडेंट जो आपके पास आ रहा है या फिर किसी जो एग्जिस्टिंग है उसका घर का जो एड्रेस है वो बढ़ गया, कहीं अपना घर शिफ्ट कर लिया है उसका एड्रेस बड़ा हो गया, तो उसको क्या करना है, आपको 40 में उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्टर टेबल गार्जियन मॉडिफाई जी एड्रेस वर्गर 30, ठीक है। और इस ये करेंगे तो इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि 30 टू 40 जाना है, सिंपली आप वर्गर 40 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे वर्गर 30 टू 40, जी नहीं, सिंपली आप 40 कर देंगे आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा कि 40 कैरेक्टर सपोर्ट करने लगेगा आपका, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां तक, समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका मॉडिफाई कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ एट्रीब्यूट, जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको मॉडिफाई करना है। इसमें क्या है कि व्हेन वी क्रिएट अ टेबल बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक्स नल वैल्यू। देखिए जब भी हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, नल वैल्यू टेक्स नल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की, यानी कि जो प्राइमरी की के लिए एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया उसको छोड़कर, ठीक है। वी कैन चेंज एन एट्रीब्यूट्स कॉन्स्ट्रेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल, देखिए हमें करना क्या है, जो पहले से नल है उसको क्या करना है, नॉट नल करना है यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। अब देखिए इसके लिए सिंटेक्स क्या है, तो अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप नॉट नल, क्या कर देना है, सिंपली नॉट नल कर देना है। अब इससे हमें मिलेगा क्या, अब इसको होगा क्या, तो वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट अलोंग विथ कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट के साथ हमें डेटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा नॉट नल यूजिंग मॉडिफाई। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल फॉर्म, ये आपका इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है कि अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एस नेम वर्कर 20 नॉट नल, इतना कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब ये नल नहीं होगा, यानी कि अब ये एम्प्टी नहीं रहेगा ये वाला कॉलम है सो, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। अब बात करते हैं एड डिफॉल्ट वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट, अब क्या किसको ऐड करने की बात हो रही है, डिफॉल्ट वैल्यू को ऐड करने की बात हो रही है। तो इफ वी वांट टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट देन यूज दिस सिंटैक्स, क्या क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू, ये इसका क्या है सिंटैक्स है। जैसे देखिए टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ का क्या करना है, डिफॉल्ट करना है 15 मई 2000, यानी कि सारा स्टूडेंट का क्या कर देना है 15 मई 2000 कर देना है। तो इससे करेंगे क्या कि अल्टर टेबल जो नाम है टेबल का क्या स्टूडेंट मॉडिफाई जो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है और डेट और डिफॉल्ट क्या कर देंगे जो फॉर्मेट है हमें क्या है हमारा फॉर्मेट YYYY फिर है MM और फिर है DD, यही फॉर्मेट था ना डेट का, उसी पे हम बैठा दिए और आपका काम हो गया, ठीक है। अगला है आपका रिमूव एंड एट्रीब्यूट, ज्यादा तेजी तो नहीं जा रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा तेजी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, हम थोड़ा सा तेजी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा ये कुछ हार्ड है नहीं, सिंपल सा चीज है, बस आपको समझने भर का दे रही है, ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक वैसे है नहीं, ठीक है, सिंपल सिंपल सा चीज है, कीवर्ड्स आपको पकड़ने आना चाहिए। यूजिंग अल्टर वी कैन रिमूव एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल एज सोन इन द सिंटेक्स, देखिए अल्टर के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग कि रिमूव कर देंगे एट्रीब्यूट को, जैसे क्या है कि अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप एट्रीब्यूट टू रिमूव द एट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम टेबल गार्जियन राइट द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, क्या है तो अल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप इनकम, और बस इसका क्या है इनकम वाला हट जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखिए
ये ड्रॉप इनकम जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, ये रिमूव हो जाएगा साफ, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। फिर अगर आप इसको चाहेंगे अंडू करना तो ये अंडू नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए सोच समझ के ये सबका यूज करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम टेबल, प्राइमरी की को हटाना है टेबल से। तो समटाइम्स क्या होता है कि देयर मे बी रिक्वायरमेंट टू रिमूव प्राइमरी की, कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को रिमूव करने का रिक्वायरमेंट होता है फ्रॉम द टेबल। इन दैट केस अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज, क्या यूज करेंगे, अल्टर टेबल कमांड को यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल जो टेबल नेम है वो डलाएगा ड्रॉप प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, टू रिमूव प्राइमरी की ऑफ टेबल गार्जियन राइट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, आपको कुछ एसक्यूएल कमांड इसके लिए लिखना पड़ेगा रिमूव करने के लिए, क्या क्या है, तो अल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप प्राइमरी की, और इस पर आपका काम हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सिंटैक्स है आपका, ठीक है। तो सिंटैक्स तो ये हो गया, ये आपका क्या प्रैक्टिकल है उसका, मतलब उसके जगह पे बैठा देना है कि टेबल नेम की जगह पे क्या बैठा देगा, गार्जियन बैठा दिए और बस गार्जियन वाला जो होगा आपका टेबल नेम वो हट जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट का, ड्रॉप स्टेटमेंट ये क्या करता है, तो वी कैन यूज अ ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव अ डेटाबेस और अ टेबल परमानेंटली फ्रॉम अ सिस्टम। देखिए, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस या टेबल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर परमानेंटली रिमूव अगर आप कर देते हैं तो फिर वो अंडू नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, अंडू नहीं हो सकता है, अगर आप चाहें कि उसको वापस ले आए तो वो नहीं आ सकता है, तो इसलिए इसका यूज आप सोच समझ के करेंगे अगर आप करते हैं इसका यूज तो। However, one should be very cautious while using this statement as it cannot be undone. वही बात है कि undo ये नहीं हो सकता है। तो syntax to drop a table क्या है, तो drop table और फिर table name डालना है, और syntax to drop a database क्या हो जाएगा, तो drop database और फिर database का जो नाम है वो, तो इससे आप table और database दोनों को क्या कर सकते हैं, drop कर सकते हैं। Clear है बात। अगला बात करते हैं SQL for data manipulation। मैनिपुलेशन मतलब सिंपली क्या होता है, उसमें कुछ फेर बदल करना, ठीक है, यानी कि क्रिएशन हो गया, उसमें कुछ आप अपडेट कर रहे हैं, कुछ उसमें से हटा रहे हैं, ये सब हो गया क्या आपका मैनिपुलेशन। जैसे देखिए, हम जो SQL पढ़ रहे हैं ये दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, एक DDL पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक क्या पढ़ रहे हैं, एक DML पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ा हम लोग क्रिएट करना, ठीक है, इसमें हो गया अल्टर, इसमें हो गया ड्रॉप, ठीक है, कॉलम टेबल जो भी है उसका ड्रॉप, तो ये पढ़ना है। और डीएमएल में हमें क्या पढ़ना है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है, ये पढ़ना है हमें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। क्लियर है बात, इतना ही आपके सिलेबस में पढ़ना है, होता तो और है लेकिन सिलेबस में आपको यही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन को। तो when we create a table, only its structure is created, but the table has no data. देखिए, जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, लेकिन जो टेबल के पास कोई डेटा नहीं होता है। तो टू पॉपुलेट रिकॉर्ड्स इन द टेबल इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड। तो रिकॉर्ड को पॉपुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग स्टेटमेंट में, इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। Also, table record can be deleted or updated using delete and update statement. और table record को delete या update किया जा सकता है delete और update statement के help से. और these SQL statements are part of data manipulation language जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, insert, update और delete, ठीक है, clear है बात। Data manipulation using database means either insertion of new data, removal of existing data or modification of existing data in database. वही मैंने आपको यहाँ बताया है कि या तो insert कर सकते हैं इसमें, delete कर सकते हैं और update कर सकते हैं। Clear है point? समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे insertion of record की, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कौन सा स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए टेबल में, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है आपका, इंसर्ट इनटू जो टेबल नेम है सो, और वैल्यूज में जो वैल्यू हो गया है सो,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैल्यू वन कोरस्पॉन्ड्स टू एट्रीब्यूट वन, वैल्यू टू कोरस्पॉन्ड्स टू एट्रीब्यूट टू एंड ऑनसो ऑन, यानी कि वैल्यू वन जो होगा वो एट्रीब्यूट वन के कोरस्पॉन्डिंग होगा, जो वैल्यू टू होगा वो एट्रीब्यूट टू के कोरस्पॉन्डिंग होगा, और ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि वी शैल इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द गार्जियन टेबल फर्स्ट एज इट डज नॉट हैव एनी फॉरेन की। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड गार्जियन टेबल में पहले, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी फॉरेन की नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका गार्जियन टेबल है, यहाँ पे जी ओ आई डी हो गया, फिर जी नेम हो गया, जी फोन हो गया, और इसका एड्रेस हो गया। अब देखिए द फॉलोइंग इंसर्ट स्टेटमेंट एड्स द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल, क्या है तो इंसर्ट इनटू गार्जियन वैल्यूज, वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, जो भी है सब कुछ इंटर कर दिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा तो वी कैन यूज द एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम टू व्यू द इंसर्टेड रिकॉर्ड। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार का यूज करेंगे टेबल नेम से टू व्यू द इंसर्टेड रिकॉर्ड। अ द सिलेक्ट स्टेटमेंट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, आगे किया हुआ है। अब देखिए माई सेलेक्ट स्टार किए फ्रॉम गार्जियन, तो यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर है बात, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी फीड कर दिए थे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब देखिए इफ वी वांट टू इंसर्ट वैल्यूज फॉर सम ऑफ द एट्रीब्यूट इन द टेबल, कुछ एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे क्या है कि सपोजिंग अदर एट्रीब्यूट हैविंग नल और एनी अदर डिफॉल्ट वैल्यू, देन वी शैल स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट नेम इन व्हिच द वैल्यू आर टू बी इंसर्टेड यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। देखिए अगर हम चाह रहे हैं इंसर्ट करना सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट्स के लिए, तो उस केस में क्या होगा, तो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एट्रीब्यूट। ठीक है, उस केस में हमको एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, और कौन सा यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का, और इसका सिंटेक्स क्या है, तो इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम फिर कॉलम नेम जो है सो फिर वैल्यूज वैल्यू 1 2 3। ठीक है, क्लियर है बात, यही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जी फोन वाज सेट टू नल बाय डिफॉल्ट। अब देखिए ऐसा होता है कि गार्जियन का मन है कि नहीं अपना फोन नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल वैल्यू हो जाएगा एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अब आगे आते हैं, तो देखिए इंसर्ट इनटू किया हुआ है, तो इंसर्ट इनटू गार्जियन जी आई डी जी नेम और जी एड्रेस, फिर वैल्यूज जो हो गया सो यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ये आ गया क्या, डैनी डिसूजा जो भी नल है, और ये सब आपका एड्रेस वगैरह सब आ गया इंसर्ट इनटू के हेल्प से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस नाउ इंसर्ट द रिकॉर्ड गिवन इन इंसर्ट स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और गार्जियन का आईडी है। अब देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 1 अथर्व अहूजा, जो भी इसका डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर या फिर माई एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर एस नेम डेट ऑफ बर्थ जी यू आई डी और फिर वैल्यू एस है, तो दोनों में से कोई एक का यूज करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिकॉल दैट डेट इज स्टोर्ड, इसमें जो फॉर्मेट आपको पता ही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और आपको पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देखिए लेट अस नाउ इंसर्ट द थर्ड रिकॉर्ड ऑफ टेबल वेयर जी यू आई डी इज नल, नल है यानी कि नल वाले को इंसर्ट करना है, रिकॉल दैट जी यू आई डी इज फॉरेन की, आपको पता ही है, ऑफ दिस टेबल एंड दस कैन टेक नल वैल्यू। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए अब आ गया क्या यहाँ पे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू जो भी है वो सब डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट होकर मिल गया आपको, क्लियर है, कुछ नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, ये पूरा एसक्यूएल आपको एकदम हम आसानी से पूरा समझा देंगे, पता भी नहीं चलेगा आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, अगर पहले कभी नहीं भी पढ़े हो, अगर पूरा जीरो है फिर भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब देखिए वी हैड टू राइट नल इन द अबव इंसर्ट स्टेटमेंट, देखिए हम लोग को नल लिखना पड़ा यहाँ पे, देखिए इसी की बात हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट मेंशनिंग द कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम नेम हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, है कहीं कॉलम नेम नहीं है मेंशन,
नॉट मेंशनिंग, हाँ, अदरवाइज वी शुड मेंशन द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, नहीं तो क्या करना पड़ता हमें, नेम एट्रीब्यूट का नेम जो है वो मेंशन करना पड़ता विथ द वैल्यूज इफ वी नीड टू इंसर्ट डेटा ओनली फॉर सर्टेन एट्रीब्यूट। देखिए कोई खास एट्रीब्यूट के लिए अगर आपको इंसर्ट करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा को इंसर्ट डेटा ओनली फॉर सर्टेन एट्रीब्यूट, ठीक है, वहां पे नेम ऑफ एट्रीब्यूट आपको मेंशन करना पड़ता साथ ही साथ। अब देखिए MySQL insert into student roll number जो भी है सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया तो यही हो गया, ठीक है। यानी कि आपको जो ये वाला है ना तलीम शाह, हाँ ये वाला, ये हाँ ये वाला, ठीक है, वही दिख रहा है आपको टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है बात। मैनिपुलेशन आई होप कि पूरा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक चीजों का पता रखना है क्या क्या है, एक हम लोग दो पार्ट में पढ़े DDL और DML को, इसमें क्या क्या है बस आप वो ध्यान रखिए और नाम से आपको पकड़ में आ जाएगा, ये बात की गारंटी है। एग्जाम में अगर आपको ऐसा किस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो नाम से आपको पकड़ में आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो अब बात करेंगे हम लोग SQL फॉर डेटा क्वेरी का, डेटा क्वेरी के SQL के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो देखिए टू रिट्रीव डेटा इन फ्यूचर फॉर डेटा बेसिस इन वॉट एवर वी वॉन्ट, देखिए इसका यूज क्यों किया जा रहा है, देखिए वी आर इंटरेस्टेड इन स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस एज इट इज इजियर टू रिट्रीव। देखिए हम लोग क्या है कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ गया एक्सेस करने का तो उसको यूज हम कर सकते हैं, उसको एक्सेस हम कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, स्टोर बोले रिट्रीव भी करना चाहेंगे फ्यूचर में उसके लिए। तो SQL प्रोवाइड्स इफिशियंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू रिट्रीव डेटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स इन माई SQL डेटाबेस। तो द SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल्स इन अ डेटाबेस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेरी स्टेटमेंट। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट है उसका यूज किया जाता है किसके लिए, टू रिट्रीव डेटा, कहां से, टेबल से, डेटाबेस में टेबल से रिट्रीव करने के लिए किया जाता है और इसको क्वेरी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब देखिए बात है सेलेक्ट की, अब टर्म आप समझिए, सेलेक्ट मतलब क्या होता है, कोई खास चीज को आप पिक कर रहे हैं उसको डिस्प्ले कराने की बात हो रही है, सिंपली क्या है सेलेक्ट है। तो कोई एक खास चीज को आप देखिए, मतलब किसी खास चीज को आप सेलेक्ट करके और फिर उसको डिस्प्ले कराने की बात है, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग सेलेक्ट का, आगे आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए क्या है, पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट है, तो द SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा, ये तो पता ही, फ्रॉम द टेबल एंड डेटाबेस एंड आउटपुट इज आल्सो डिस्प्लेड इन द टेबुलर फॉर्म। जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो किस में होगा, वो टेबुलर फॉर्म में होगा। सिंटेक्स पे आते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट वन टू जितना भी एट्रीब्यूट है सो फ्रॉम, जो टेबल नेम डाल दीजिए और वेयर में कंडीशन डालाएगा। अब ये जो है सो आपका ऑप्शनल पार्ट है, मन है तो डालिए, नहीं मन है तो मत डालिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हेयर एट्रीब्यूट वन टू जो भी है आर द कॉलम नेम ऑफ द टेबल, टेबल नेम फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू रिट्रीव डेटा, क्लियर है, जो जो है उसके हिसाब से जो रिट्रीव करना है वो डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है, टेबल, टेबल नेम और जो एट्रीब्यूट 1, 2, 3 है सो। अब देखिए द फ्रॉम क्लॉज, द फ्रॉम क्लॉज यहाँ पे लगा हुआ है इज ऑलवेज रिटन विथ सेलेक्ट क्लॉज, ये जो सिलेक्ट लगा तो ये फ्रॉम लगेगा, ठीक है, एज इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ टेबल, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, फ्रॉम के बाद टेबल नेम लग रहा है, यानी कि नेम ऑफ टेबल को स्पेसिफाई कर रहा है जिससे डेटा को रिट्रीव करना है। द वेयर क्लॉज इज ऑप्शनल, जैसा मैंने आपको बताया कि वेयर क्लॉज क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है, एंड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा दैट मीट स्पेसिफाइड कंडीशन, जो भी खास कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है, किसको, वेयर क्लॉज को, ऑप्शनल है, मन है करिए, नहीं माने मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग क्वेरी रिट्रीव्स द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट का यूज करेंगे, स्टूडेंट नेम डेट ऑफ बर्थ जो जो चाहिए यहाँ पे डाल देंगे, फिर फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, वेयर यहाँ पे ऑप्शनल है लेकिन यहाँ पे यूज किया गया रोल नंबर 1। ध्यान रहे जो भी आपको यहाँ पे चाहिए रिट्रीव कराना है तो ये यहाँ पे सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, 1 कर दिया, जी नहीं, ये दोनों आपको सेम होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही आपने ये डाला आपका पूरा डेटा दिखा दिया कि आपने इस खास को सिलेक्ट किया है, यानी कि आपको स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपने ये सिलेक्ट किया है इसलिए आपको ये डिस्प्ले होकर मिल गया टेबुलर फॉर्म में, अथर्व आहूजा और जो डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2003। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए अगला है आपका क्वेरिंग यूजिंग डेटाबेस ऑफिस, ये ऑफिस, ऑफिस वाली बात हो रही है, यानी कि जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वो ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि एवरी इम्प्लॉय इन द डेटाबेस इज असाइंड टू अ डिपार्टमेंट एंड हिज और हर डिपार्टमेंट नंबर, जो डिपार्टमेंट आईडी है, इज स्टोर्ड एज अ फॉरेन की इन द टेबल इम्प्लॉय। देखिए, जो हर एक इम्प्लॉय होता है जो डेटाबेस में है, उसको एक डिपार्टमेंट असाइन रहता है। मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप एक इम्प्लॉय हैं, तो आपको भी तो कोई डिपार्टमेंट असाइन होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि और उसका जो डिपार्टमेंट है उसका नंबर दिया गया है, किससे डिनोट किया गया है, DEPT ID, डिपार्टमेंट आईडी से उसको डिनोट किया जा रहा है, जिसको स्टोर किया गया है एज अ फॉरेन की, और टेबल का नाम क्या है, इम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ टेबलर फॉर्म में इम्प्लॉय नंबर है, इम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, बोनस है और डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे खाली है तो समझिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे नल वैल्यू डाला गया है। अब देखिए सबसे पहला क्या है, रिट्रीव सिलेक्टेड कॉलम, जो भी कॉलम को सिलेक्ट किया जा रहा है उसको क्या करना है, रिट्रीव करना है। यानी कि द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट इम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल इम्प्लॉय, MySQL सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम इम्प्लॉय, यानी कि फ्रॉम टेबल नेम इम्प्लॉय है, वहां से क्या सिलेक्ट करना है आपको, EMP नंबर। तो EMP नंबर क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ से 101 से लेके 110 तक, तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा कहाँ से, 101 से लेके और 110 तक, ठीक है। अब देखिए द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द इम्प्लॉय नंबर एंड इम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल इम्प्लॉय। अब देखिए सिलेक्ट कर क्या करना है, इम्प्लॉय नंबर, इम्प्लॉय नेम फ्रॉम इम्प्लॉय टेबल, तो देखिए आपको सेलेक्ट होके मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा हम तेज भागेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, बस आप कंसंट्रेट रहिए, सबको समझ में आ जाएगा। अगला है आपका रीनेमिंग अ कॉलम, माने कि जो कॉलम है उसको रीनेम करना है, यानी कि नेम चेंज करके कुछ और कर देना है सिंपली। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट इम्प्लॉय नेम और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़िए, इन केस वी वांट टू रीनेम एनी कॉलम व्हाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट, वी कैन बी इट कैन बी डन बाय यूजिंग AS, alias AS at the following query select employee name, जो भी है सो। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, employee name as name, यानी कि पढ़ने से आपको लग रहा है ना कि इस नाम को इस नाम से कर देना है, ठीक है, यानी कि जो employee name है वहां पे क्या लग देना है, name कर देना है सिंपली, फ्रॉम जो टेबल नेम है employee उससे। तो यहाँ पे जो पहले ई नेम था वहां से ई हट गया और पूरा आपको डिस्प्ले होके मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें एग्जांपल है कि सेलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय अलोंग विथ देयर एनुअल इनकम कैलकुलेटेड एज सैलरी इनटू 12, यानी कि सैलरी इनटू 12 आपको करना है सिंपली, ठीक है। व्हाइल डिस्प्लेइंग द क्वेरी रिजल्ट रीनेम द कॉलम ई नेम एज नेम, यानी कि करना आपको क्या है कि सेलेक्ट ई नेम को क्या कर देना है, नेम कर देना है, और सैलरी इंटू 12 करना है, और टेबल नेम क्या है, इम्प्लॉय है। कंसंट्रेट रहिएगा, ई नेम को नेम कर दिया और जहां पे सैलरी 12 यहाँ पे कर दिया गया, पहले क्या था, सिर्फ सैलरी था, फिर से आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे मेन टेबल, यहाँ पे क्या था, सैलरी था, इसको क्या कर दिया गया, सैलरी इंटू 12, कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर दिया गया और पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्या करना है, सिर्फ हम इसको बता रहे हैं, आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत जाइए, सिर्फ आप मेन चीज को समझिए। सेलेक्ट क्या करना है, ई नेम एज नेम कर देना है, यानी कि जो इम्प्लॉय नेम को नेम कर देना है, और सैलरी जो इंटू 12 अभी तक हुआ है उसको क्या कर देना है, एज एनुअल इनकम कर देना है, यानी कि रीनेम कर देना है क्या, एनुअल इनकम। तो यहाँ पे नेम मिल गया, यहाँ पे एनुअल इनकम मिल गया, और वही आपको डिस्प्ले होकर मिल गया है, क्लियर है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एनुअल इनकम विल नॉट बी एडेड एज न्यू कॉलम इन द डेटाबेस टेबल, एनुअल इनकम कोई नया टेबल इसमें नया कॉलम ऐड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे रिनेमिंग की बात हो रही है, और इट इज जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द क्वेरी, सिर्फ डिस्प्ले की बात हो रही है, ठीक है। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ डिस्प्ले की बात हो रही है, हम यहाँ पे एक चीज आपको हम लिखवा देते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस खाली, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ जो रीनेम किया जा रहा है ना, रीनेम जो किया जा रहा है, हिंदी में ही लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, रीनेम जो किया जा रहा है वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो रीनेम किया जा रहा है वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल टेबल है आपका उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, कभी भी उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं नो एक्चुअल टेबल मॉडिफिकेशन, नो एक्चुअल टेबल मॉडिफिकेशन, एक्चुअली वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, क्या जो भी आप उसमें रीनेम कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्प्ले किया जा रहा है, क्लियर है, ये बात आप नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अगला है आपका क्या, डिस्टिंक्ट क्लॉज। क्या है डिस्टिंक्ट क्लॉज, इसमें क्या है? तो जो आपका डिस्टिंक्ट क्लॉज है, रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। जो भी रिकॉर्ड कोई रिटर्न कर रहा है उसमें कोई रिपीटेशन आपका नहीं होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, यूनिक। ठीक है, टर्म पकड़िए, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइल रिट्रीविंग अ डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशन देयर कैन बी डुप्लीकेट वैल्यू। हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है वो एम्प्लॉय का दो का सेम हो सकता है, हो सकता है ना। तो एज मेनी एम्प्लॉयज आर असाइंड टू द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट का, तो हो सकता है कि दो तीन एम्प्लॉय का सेम डिपार्टमेंट आईडी हो। टू सेलेक्ट यूनिक डिपार्टमेंट नंबर फॉर ऑल एम्प्लॉय वी यूज डिस्टिंक्ट एज शोन बिलो। जैसे देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, क्या है एम्प्लॉय है। अब देखिए जितने भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 2, 1, 4, 3, 5 है। अब आपको एक्चुअल में दिखाते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन देखिए यहाँ भी रिपीट है, ये 5 यहाँ भी है, ये 4 है, 4 यहाँ भी है, 1 है, 1 है, 1 है। तो डिस्टिंक्ट से क्या हो रहा है कि कोई रिपीटेशन आपका नहीं हो रहा है, एक ही बार डिस्प्ले करेगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगला है वेयर क्लॉज, अगला है आपका वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या होता है, तो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा दैट मीट सम स्पेसिफाइड कंडीशन। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन अगर दिया हुआ है तो उस केस में वो डेटा रिट्रीव करेगा, मतलब उसके हिसाब से वो डेटा को रिट्रीव करेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इन द ऑफिस डेटाबेस मोर देन वन एम्प्लॉय कैन हैव सेम सैलरी। ऐसा 100% 110% पॉसिबल है कि किसी एक या एक से अधिक एम्प्लॉय का सैलरी सेम होगा, होगा ही। तो फॉलोइंग क्वेरी गिव डिस्टिंक्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईडी D01। यहाँ पे सिर्फ D01 की बात हो रही है। जैसे देखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी यहाँ पे कर दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट आईडी 1। तो जिसका जिसका भी सैलरी डिपार्टमेंट आईडी 1 के हिसाब से है उस सबका यहाँ पे डिस्प्ले होके आपको मिल जाएगा। यानी कि इतने लोगों का सैलरी क्या है डिपार्टमेंट आईडी 1 में है। ठीक है, इतने एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 के, ये उनके सैलरी। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में क्या है कि इज इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लॉज। यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया गया है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अदर रेशनल ऑपरेटर जो कि है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू भी यूज किया जा सकता है टू स्पेसिफाई सच कंडीशन। द लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। अलग अलग कंडीशन को कंबाइन करने के लिए एंड भी यूज कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, नॉट भी यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय D04 डिपार्टमेंट हु अर्न मोर देन 5,000। देखिए जो भी डिपार्टमेंट 04 के हैं और वो 5,000 से ऊपर जो कमा रहे हैं उनका लिस्ट चाहिए, यानी कि उनको टेबुलर फॉर्म में शो करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5,000 और डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, 04 होना चाहिए। तो जो जो दो लोग हैं वो आपको डिस्प्ले होके मिल गया, सिंपल इज दैट। द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट आलिया। अब आलिया को छोड़ के सारा का शो कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर नॉट ई नेम इज इक्वल टू आलिया, यानी कि आलिया नाम वाले को भगा देना है सिंपली। तो आलिया नाम वाला दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 और 50,000 के बीच में और बोथ वैल्यू इंक्लूसिव, यानी कि 20,000 वाले को भी इंक्लूड करना है और 50,000 वाले को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अब देखिए इसलिए क्या करेंगे कि सिलेक्ट ई नेम एम्प्लॉय नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम हो गया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, इक्वल टू इसलिए लगाया गया क्योंकि 20,000 को भी इंक्लूड करना है, एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000 क्योंकि 50,000 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया गया है। तो जो भी इसमें इस कंडीशन में फॉल हो रहे हैं उन सबको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगला क्या कह रहा है, बिटवीन मतलब बिटवीन को सिर्फ लेना है, यानी कि वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, यानी कि 20,000 और 50,000 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ बिटवीन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या था कि आपको इंक्लूड करना था क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि बोथ वैल्यू इंक्लूसिव, लेकिन यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो जो भी 20,000 और 50,000 के बीच वाले सैलरी वाले लोग हैं सबका यहाँ पे आ जाएगा क्या, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अब देखिए द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट आईडी
D01, D02 और D04, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो D01, 02 और 04 वाले हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी लोग को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो ये वाला जो आपका है, क्या क्या कर रहे हैं, हाँ, ये जो और यहाँ पे लगा हुआ है, इससे ज्यादा बेटर क्या है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन है, जो पांचवा हम बात कर रहे हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट। अब कैसे है सो देखिए, यहाँ पे आपको और लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको D01 और D02 और D04, लेकिन सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। लेकिन मेंबरशिप में भी क्या होगा कि इसमें भी यही होगा कि इसमें भी तीनों को इंक्लूड करके आपको शो कर देगा, यानी कि D1, D2, D4, इसमें भी सेम टेबल शो हो जाएगा। तो ज्यादा एक्यूरेट किसको माना जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन को, जो भी दिया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, इन यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द अबव क्वेरी कैन बी रिटन यूजिंग इन ऑपरेटर एज शोन बिलो, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन तीनों वाले आईडी जो हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन डिपार्टमेंट D01 और D02। देखिए, D1 और D2 में जो काम करते हैं उनको छोड़ के सबको डिस्प्ले करा दीजिए, यहाँ पे तीन चार पांच वाले दिख गए और 1 2 वाले नहीं दिखे, वही आपको डिस्प्ले होके यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि हेयर वी नीड टू कंबाइन नॉट विथ इन एज वी वांट टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड एक्सेप्ट D0 एंड D02, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे नॉट इन का यूज किए, इससे क्या होगा कि हमको ये दोनों नहीं चाहिए, यानी कि D1 और 2 को छोड़ के सारे का डिस्प्ले करा दीजिए हमें, तो ये डिस्प्ले आपको करा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर मतलब क्या होता है, सिंपली ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सिंपली बोले तो ऑर्डर मतलब अरेंज करना, अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो अरेंजमेंट किसमें होता है, आइदर एसेंडिंग और डिसेंडिंग, यही दोनों में से होगा ना, और तो कुछ नहीं होता है। लेकिन देखा जाए तो जो ऑर्डरिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका किसमें होता है, डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिसेंडिंग के केस में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे डिसेंडिंग में चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर DESC यूज करना पड़ेगा आपको कीवर्ड, ठीक है, कौन सा, DESC। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल नेम है, ऑर्डर बाय सैलरी, यानी कि सैलरी आपको आपको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो देखिए 10,000, 15, 19, 29, सब जो देख रहे हैं आप, सब असेंडिंग ऑर्डर में, वही आपको डिस्प्ले होकर यहाँ पे मिल गया है। अब क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो डिसेंडिंग में करना क्या है, तो ऑर्डर बाय सैलरी और DESC यहाँ पे लगा दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया गया है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में होता है और यहाँ पे डिसेंडिंग कराना है तो DESC लगाना पड़ेगा। अब देखिए 60, 50, 48, 45, 42 उल्टा चलते आ रहा है, यानी कि डिसेंडिंग में आ रहा है, वो आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हैंडलिंग नल वैल्यू की बात हो रही है, नल मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं, खाली, इम्प्टी। तो SQL सपोर्ट्स अ स्पेशल वैल्यू कॉल्ड नल। नल को सपोर्ट करता है किसके लिए, टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग और अननोन वैल्यू, कोई भी वैल्यू मिसिंग है, अननोन है, कुछ पता था, ठिकाना नहीं है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंपली नल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है कि जीफोन कॉलम इन द गार्जियन टेबल कैन हैव मिसिंग वैल्यू फॉर सर्टन रिकॉर्ड। अगर गार्जियन को अपना फोन नंबर देने का मन नहीं है तो वहां पे वो नल हो जाएगा, इम्प्टी रहेगा पूरा, इसका क्या मतलब, वहां पे नल का यूज होगा, ठीक है। हेंस नल इज यूज टू रिप्रेजेंट सच अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नल का यूज किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नल इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अलग है, दोनों को मत मिलाइए, नल अलग है और जीरो अलग है, ये बात साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। ऑल्सो इन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म विथ नल वैल्यू गिव्स नल, ठीक है। अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ नल वैल्यू अगर हो रहा है परफॉर्म, तो वो नल ही देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 + null, अब बेचारा खाली है, कुछ है ही नहीं है, जिसमें 5 जोड़ दे घटा दे क्या फर्क पड़ता है, नल ही रहेगा, है कि नहीं, ये नल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नल अननोन है, इसलिए रिजल्ट है वो भी अननोन है। इन ऑर्डर टू चेक नल वैल्यू इन कॉलम वी यूज इज नल, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम लोग, इज नल का यूज करते हैं। जैसे देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। अब देखिए, जहां जहां बोनस कुछ नहीं था, जैसे आपको कुछ समय पहले बताया था, यहाँ पे जैसे टेबल पर दोबारा आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों खाली है ना,
इन दिनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल बताया जा रहा है इसी को, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, ये नल है, तो इसी को यहाँ पे डिस्प्ले कराया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसको जो डिस्प्ले कर, यही तीनों क्या है, नल है बोनस, क्यों, क्योंकि बोनस इज नल को डिस्प्ले कराना है, आपको डिस्प्ले होके मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि सेलेक्ट इम्प्लॉय नेम फ्रॉम इम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल, बोनस नल नहीं है, और डिपार्टमेंट आईडी का भी दे दिया है, यानी कि D01 में नल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही दोनों है कृतिका और सब्बीर, तो ये आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले होगा। अगला बात करते हैं सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, यानी कि पैटर्न मैचिंग की बात हो रही है, सब स्ट्रिंग का जो पैटर्न है उसका मैच का बात हो रहा है, ठीक है। तो मेनी अ टाइम्स वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी डोंट वांट टू क्वेरी बाय मैचिंग एग्जैक्ट टेक्स्ट और वैल्यू। देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां हम लोग नहीं चाहते हैं कि क्या क्वेरी को ऐसा जो कि एग्जैक्ट टेक्स्ट या वैल्यू मैच नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो रैदर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड मैचिंग ऑफ ओनली अ फ्यू कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स की मैचिंग की बात हो रही है, ऐसा में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ये बताया जा रहा है, कैरेक्टर या फिर वैल्यू इन कॉलम वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, टू फाइंड आउट नेम स्टार्टिंग विथ टी, टी से फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, पिन कोड बताना है क्या 60, ऐसा मैच कराना है। तो इसको क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग पैटर्न का मैचिंग हो गया ये, ठीक है। यानी कि जो नाम का स्टार्टिंग टी से हो रहा है, एंड टू फाइंड आउट द पिन कोड स्टार्टिंग विथ 60। वी कांट मैच सच पैटर्न यूजिंग इज इक्वल टू ऑपरेटर एज वी आर नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मैचिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, यही बात यहाँ पे कही गया है। SQL provides a like operator that can be used with where clause to search for a specified pattern in a column। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि SQL आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइक ऑपरेटर, किसके लिए, तो यूज को यूज किया जा सकता है वेयर क्लॉज के साथ, किसके लिए, तो सर्च करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न को किसी कॉलम में। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि द लाइक ऑपरेटर मेक्स यूज ऑफ फॉलोइंग टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब लाइक ऑपरेटर क्या कर रहा है कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज कर रहा है, जैसे पहला क्या है परसेंटेज है, इसको क्या होता है, तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। तो परसेंटेज का यूज किसके लिए किया जा रहा है, 0, 1 या नल मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा है आपका अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का यूज क्यों किया जा रहा है, तो रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल से और क्लियरिटी मिल जाएगी। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद के। अब के से स्टार्टिंग की बात हो रही है। अब देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल नेम हो गया, वेयर ई नेम लाइक, यहाँ पे लाइक का यूज किया, के परसेंटेज है। अब देखिए के तो ठीक है कि फिक्स है कि रहेगा, लेकिन अब परसेंटेज लग गया, तो परसेंटेज के बाद क्या है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फिर मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे सर्च किया गया तो आपको मल्टीपल कैरेक्टर वाला मिल गया RITI के, तो क्या है कृतिका है, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऐसा टेबलर फॉर्म, ठीक है। अगला कहा गया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज ए। देखिए परसेंटेज ए यानी कि लास्ट में आपको ए लगा हुआ है, और इसके पहले कितना भी कैरेक्टर हो सकता है, यानी कि वो एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ ए, यानी कि ए लास्ट में लगा हुआ है, इसके पहले कितना भी हो सकता है, तो ऐसा जितना भी होगा वो सब आपको डिस्प्ले होकर यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए आपको। अब कह रहा है अगला कि द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हुज नेम कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 5 लेटर्स। एग्जैक्ट 5 लेटर्स के होना चाहिए, और जो स्टार्ट होना चाहिए वो किसी भी लेटर से हो सकता है, लेकिन बाद में उसके अन्य रहना चाहिए, ANYA होना चाहिए बाद में। तब ऐसा अगर सर्च करने गया तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अन्य। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अंडरस्कोर, अब तब लगे हुआ है अन्य, तो अंडरस्कोर में सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ANYA जो है सो दिख गया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है SRT है, बाकी कुछ है नहीं डेटाबेस में, तो यही आपको दिख गया है, तो यही टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखिए अगला क्या है कि SE लगा हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय कंटेनिंग SE एज अ सब स्ट्रिंग इन नेम। अब देखिए सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज SE परसेंटेज। अब देखिए इसके इधर भी कितनों भी कैरेक्टर हो सकता है, इसके इधर भी कितनों कैरेक्टर हो सकता है, कुछ लिमिट नहीं है इसका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर की बात है तो उसके लिए अंडरस्कोर लग जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे SE लगा हुआ है, यहाँ भी SE लगा हुआ है, अब फर्स्ट है लास्ट है ऐसा नहीं है, देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये तो कहा है ना परसेंटेज में भी कि 0 कैरेक्टर्स भी हो सकता है,
क्या है, जोसेफ और वर्गीज, ये दोनों आपको मिल गया एज अ आउटपुट। अब देखिए, अब कह रहा है अंडरस्कोर ए परसेंटेज। अब ए के तो पहले एक ही कैरेक्टर आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन ए के बाद कितनों कैरेक्टर आ सकता है। अब देखिए, जितने भी ए ए ए ए ए है तो सबके पहले एक एक कैरेक्टर ही आ रहा है, लेकिन बाद में कोई मतलब किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो वो आपको मिल जाएगा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा अपडेशन एंड डिलीशन के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि अगर इसमें से कोई भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो इसी का पार्ट 2 होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।